तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे। तो आइए हमारे साथ, मैं जो हूँ आपके साथ, आपका मुंजा, मुझसा नहीं कोई दूजा। खाली क्यों आ गया? मुंजा जी, महाराज कहाँ है? हाँ, पता नहीं महाराज कहाँ है, ये भी खाली वापस आ गया। मैं महाराज की खोज में जा रहा हूँ। महाराज, ये नया बुत उज्जैन नरेश राजा विक्रम का है। हमारी बेटी मृगनयनी का सुरक्षा कवच कोई नहीं भेज सकता। पर महाराज, मैंने तो सुना है कि राजा विक्रम बहुत ही शूरवीर और प्रतापी राजा है। बड़े बड़े सूरमा हमारे सुरक्षा कवच के आगे कमजोर और असहाय है। दुनिया में किसी में भी वो शक्ति नहीं जो हमारा सुरक्षा कवच तोड़ सके। रे अंगूठी, रे अंगूठी, आज मुझसे क्यों है रूठी? महाराज विक्रम का पता बता दे, है कहाँ पर वो तू मुझे दिखा दे। ओहो, ये बंदर है? बंदर? अरे वाह, ये बंदर तो बोलता है। अरे नादान, बातें करता है मूर्खों के समान। तेरे पूर्वज भी तो बंदर थे। जब तू बोल सकता है तो मेरे बोलने में तुझे आश्चर्य क्यों हो रहा है? ठीक है बोलो, पर ये राज तो खोलो कि मेरे सर पे ये फल क्यों मारा? बाकी खा लो आखिरी बार, फिर पत्थर बनते ही क्या जीवन हो जाएगा बेकार। पत्थर? मैं क्यों? क्या जानते हो तुम? वो मैं क्यों बताऊं? पहले तुम ये बताओ कि तुम राजकुमारी के पीछे आए हो ना? बताओ। नहीं, मैं अपने महाराज विक्रम के पीछे आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे महाराज आए थे राजकुमारी के पीछे? क्यों? फिर तो पत्थर बनना ही था। तो क्या जो भी राजकुमारी के पीछे आता है वो पत्थर बन जाता है? अब समझे, पर देर से समझे। तो मैं अपने महाराज को पत्थर से इंसान बना कर रहूँगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। स्वामी भक्त लगता है, वफादार है। क्या सोच रहे हो बंदर जी? सोच रहा हूँ कि तुम नेक इंसान लगते हो, मेरे दोस्त बनने लायक हो। आओ, तुम्हें मीठे फल खिलाता हूँ। अच्छा, तुम्हें ये लोगों के पत्थर बनने की बात कैसे मालूम? एक दिन मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि ये राजकुमारी मृगनयनी का महल है। तभी मैंने देखा कि एक राजकुमार उस महल के बगीचे में गया। मैं सारी बात जानने के लिए अंदर गया। तब मुझे सच्चाई पता चली। जानते हो, जो भी राजकुमारी मृगनयनी के पीछे आता है वो पत्थर बन जाता है। हाँ, तो क्या महाराज विक्रम भी पत्थर बन गए हैं? अच्छा, तो तुम्हारे महाराज का नाम महाराज विक्रम है। तो क्या तुम बता सकते हो मेरे महाराज वापस इंसान कैसे बन सकते हैं?
ये तो राजकुमारी ही बता सकती है। तो चलो ना उनके पास। हाँ वो देखो सामने एक सुंदर से महल की छत पर कोई स्त्री टहल रही है। हाँ, वो ही है राजकुमारी मृगनैनी। अपनी जीवन में इतना सुंदर राजकुमार कभी नहीं देखा हमने। आज तक न जाने कितने नौजवान हमारे कारण पत्थर बन गए, पर हमें किसी का अफसोस नहीं हुआ। लेकिन आज न जाने क्यों आंखों से बहते आंसू रुकते नहीं। गुप्तचरों ने बताया था कि पत्थर बनने वाले नौजवान महाराज विक्रम हैं। काश कि हमने उनसे बात करने की हिम्मत की होती तो उनका ये हाल न होता। काश कि स्वर्ण जल लाना हमारे लिए संभव होता तो हम महाराज विक्रम को फिर उनके रूप में ला देते। राजकुमारी जी चिंतित ना हो, हम लेकर आएंगे वो विशेष स्वर्ण जल। हाँ? तुम कौन? मैं महाराज विक्रम का सेवक हूँ मुंजा। और मैं मुंजा का दोस्त। राजकुमारी मैं ये भोजन सामग्री। हाँ हाँ खा लो। धन्यवाद। तुम लोगों से इतना कठिन काम नहीं होगा। आप बताइए तो सही, मेरा नाम है मुंजा, मुझसा नहीं कोई दूजा। मैं महाराज के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ठीक है, पर स्वर्ण जल दूर जंगल में गुफा में है जिसकी पहरेदार बड़ी विशाल नाव है। मुझे तो खोड़ी की बुद्ध पर भी ये जल छिड़क दो।
तो दोस्तों मजा आया? मजा तो आया ही होगा, आखिर महाराज विक्रम वापस पत्थर से इंसान जो बन गए। पर राजकुमारी से मिल सके या नहीं, देखिए अगली कहानी में। कौन सी? ये तो जब देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे। ओहो, नहीं कट रहा, क्या करूं? अरे लोहे का है, कटेगा कैसे? पर कोई तो काटेगा, यही तो राजकुमारी से शादी की शर्त है। पर किससे हो रही है राजकुमारी की शादी, और कौन पूरी करेगा ये शर्त? अब ये तो जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे। तो महाराज अब घर चलें? मुंजा, तुम जाकर हमारे कुशलता का समाचार सबको बताना, हम बाद में आते हैं। महाराज, ऐसा क्या है जो आप मुझे नहीं कह रहे हैं? क्या कहें मुंजा, हमें इस राज्य की राजकुमारी मृगनयनी से प्रेम हो गया है। और महाराज, राजकुमारी को भी आपसे बेहद प्रेम है। क्या सच? हाँ महाराज, आपके पत्थर बन जाने के बाद वो रात दिन आप ही को याद करती रही। और महाराज, आपकी मुक्ति का उपाय भी उन्हीं ने बताया। वाह, फिर तो कैसे भी करके हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो महाराज, आपका तो उनके महल में जाना सही नहीं, पर हम उनको आपकी चाहत के बारे में बताएंगे तो वे दौड़ी आएंगी। तो ठीक है मुंजा, उन्हें हमारा संदेश दो। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। राजकुमारी जी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम कैसे आपसे अपने प्रेम का इजहार करें। महाराज, हमने आपकी आंखों में सब पढ़ लिया है, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन है महाराज। पर क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी ने हमारे विवाह के लिए बहुत कठिन 3 शर्तें रखी हैं। हम तीनों शर्तें पूरी करने को तैयार हैं। मुंजा, तुम कल ही हमारे विवाह का प्रस्ताव लेकर महाराज मृगराज के पास जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। क्या संदेश लाए हो दूत? महाराज, हमारे महाराज विक्रम आपकी पुत्री मृगनयनी से विवाह करना चाहते हैं। ठीक है, पर हमारी 3 शर्तें हैं, जो उन्हें पूरी करेगा हम उसी से अपनी बेटी का ब्याह करेंगे। हमारे महाराज विक्रम हर शर्त पूरी कर सकते हैं। बताइए आपकी क्या शर्तें हैं? अच्छा, तो ये है वो 3 शर्त। ठीक है, मुझे मंजूर है।
शर्तें तो पूरी हो गईं, पर तीसरी शर्त तो असंभव है। हाँ महाराज, भला खौलते तेल की कढ़ाई में कैसे स्नान किया जा सकता है? जो भी होगा देखा जाएगा। विक्रम तो आज मरने वाला है। हाँ, पर क्या कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, पर करेगा कौन? लाल पहाड़ से फूल तोड़कर लाना पड़ेगा, जिसे तेल में डालते ही खोलता तेल ठंडा पानी बन जाएगा। पर लाल पहाड़ तक आने जाने में तो 2 दिन का समय लगता है, और विक्रम को तेल में नहाना तो सुबह ही है। वही तो, बेचारा अपना विक्रम। महाराज, मैं जाऊंगा उस लाल पहाड़ पे वो जादुई फूल लेने। मुझे तुमने सुना नहीं तोता मैना ने क्या कहा? कुछ भी हो महाराज, पर समय से पहले मैं वो फूल लेकर आ जाऊंगा। महाराज, मुंजा तो अभी तक नहीं आया। तो क्या हुआ, हम मौत के डर से अपने पैर पीछे नहीं खींच सकते?